नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों आज ये एपिसोड में हम आपसे इसबगोल यानी कि घोड़ा जीरा के बाजार के बारे में बात करने वाले हैं, किंतु वो बात शुरू करें उससे पहले एक बात आपसे और करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों हमने जो भी एपिसोड बनाए वो घोड़ा जीरा के बाजार पे हो या फिर जीरा के बाजार पे हो या फिर हमारी खेतीबाड़ी के किसी भी दूसरे मुद्दे पर हो, आप सभी की ओर से जो प्रोत्साहन प्रत्युत्तर हमें मिल रहा है उसके लिए हम आप सभी के बहुत ही आभारी हैं और आप सभी का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, जो बाजार का रुख अभी चल रहा है, खास करके इसबगोल को लेकर, घोड़ा जीरा को लेकर, उसके बारे में बात करनी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि पिछले 10-12 दिनों से हमने आपसे इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की और बात करने का खास कोई कारण भी नहीं था, कोई वजह ऐसी नहीं थी कि आपसे हम मिले और उसके बारे में बात करें, क्योंकि प्रवाह जो चल रहा था वो सामान्य रूप से उसी ढंग से चल रहा था जैसे पिछले दिनों में चल रहा था और आज भी हालत ऐसी है, किंतु फिर भी बात करनी हमें जरूरी लगती है तो आपसे करते हैं। दोस्तों, घोड़ा जीरा का जो उत्पन्न है, इसबगोल का जो उत्पादन है हमारे प्रदेश में, वो केवल राजस्थान और गुजरात में ही है और गुजरात में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो गुजरात में जब इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तो गुजरात का जो बाजार होता है, गुजरात का जो मार्केट है, उसका असर राजस्थान पर भी पड़ता है और राजस्थान दूसरे क्रम का उत्पादक है तो उसका असर गुजरात पर पड़ता है, ये एक दूसरे के ऊपर इसका असर पड़ता रहता है। अभी इस दिनों में जो माल यानी कि इसबगोल का जो अराइवल है मार्केट तक, एपीएमसी तक, जिसे हम मंडी बोलते हैं, तो मंडी में जो माल किसानों की तरफ से आता है उसी माल में न तो इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है कि बाजार पर उसका दबाव आए और बाजार गिरने की दिशा में शुरुआत करे, और ना ही उतनी कम हो गई है कि बाजार की जरूरत से कम उपलब्धि के कारण बाजार में कुछ उछाल आए, बाजार में कुछ बढ़ोतरी आए। इसबगोल के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी मंडी गुजरात की ऊंझा मंडी है। ऊंझा मंडी में पिछले दिनों में यानी कि ये जो सप्ताह चल रहा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन सभी दिनों में जो अराइवल हुई है माल की, माल जो आता है ऊंझा के मार्केट में, ऊंझा के मंडी में, उसका जो पुट है वो करीब करीब यानी कि लगभग 9000 बोरी से लेकर 12-13000 बोरी के बीच में रहता है। कभी 10000 बोरी आती है, कभी 10500 बोरी आती है, कभी उससे कुछ ज्यादा बोरी आती है। तो जो माल आता है बाजार में, जो अराइवल है किसानों की ओर से मंडी की तरफ, उस अराइवल में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है और ना इतनी कटौती है, तो बाजार पिछले दिनों में जिस तरह से चलता था वही ढंग से आज भी चल रहा है, क्योंकि बाजार की जो जरूरत है उतना माल बाजार तक आता है। आजकल जो भाव चल रहे हैं उसे अगर हम सामान्य रूप से औसत नजर से देखने का प्रयास करें तो 12000 से लेकर 14000 के बीच में, 12000 से 14000 रुपये प्रति क्विंटल भाव के बीच में बाजार चल रहा है। और अगर अराइवल की स्थिति यह बनी रही, न ज्यादा आए ना बहुत कम आए, तो भाव में न तो बहुत कुछ बढ़ोतरी होने वाली है ना तो बहुत कुछ गिरावट होने वाली है। कभी 25-50 रुपया बढ़ोतरी होने वाली तो कभी 25-50 रुपया कम होंगे, लेकिन चलता रहेगा इसी ढंग से। अब सवाल यह होता है कि आने वाले दिनों में, कुछ दिनों के बाद यानी कि 15 दिन 20 दिन या तो फिर 1 महीने के बाद बाजार का हाल क्या होगा, स्थिति क्या होगी, किसानों को भाव क्या मिलेगा। अगर हम
अभी तक के बाजार का अभ्यास करके उसके ऊपर कुछ सोच रहे हैं, तो जो जवाब हमें मिल रहा है, जो प्रत्युत्तर मिल रहा है, वो ऐसा दिखता है कि अगर हम किसानों ने अराइवल में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की तो बाजार बना ही रहेगा, बाजार पर और कोई दबाव दूसरी ओर से दिखता नहीं है। जो भी दबाव बाजार पर आता है वो माल की अराइवल की वजह से ही आता है और माल की अराइवल की वजह से ही आएगा। अगर इन दिनों में जितनी मात्रा में हम मंडी तक माल ले जाते हैं उतनी ही मात्रा में हमारे किसान भाइयों ने प्रवाह बनाए रखा, और अगर बनाए रखेंगे आने वाले दिनों में, तो माल के भाव में कोई कमी की शक्यता ज्यादा नहीं दिखती है। कुछ किसान ये भी सोचते होंगे कि अभी जो बाजार चल रहा है उसी बाजार से माल निकाल दे या फिर कुछ दिनों तक ठहर जाए, तो न तो निकालने की जरूरत है और ना ही ज्यादा भाव की अपेक्षा में ठहरने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा करके माल निकाल देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की कोई संभावना आने वाले दिनों में भी नहीं दिख रही। अगर हमने संग्रह भी कर लिया तो ज्यादा बाजार गिरने की भी संभावना नहीं है, तो 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद या एक महीने के बाद भी हम माल बेचने की सोचेंगे तो उसी दिनों में भी बाजार में इतनी गिरावट नहीं दिखेगी कि हमें उसके ऊपर नुकसान होने वाला हो। हाँ, संभवतः अगर 150-200 रुपए की बढ़ोतरी होने की संभावना और शक्यता दिखाई देती है आज के दिनों में, तो इसबगोल यानी कि घोड़ा जीरा के बारे में जो भी समाचार है, जो भी माहिती है, वो बाजार की तरफ से, बाजार के रुख को लेकर, किसानों की माल की मात्रा मंडियों तक पहुंचाने के माहौल को देखकर जो दिख रहा है हमें, उसकी बात हम आज आपके सामने रख रहे हैं। आप घोड़ा जीरा के किसान हैं, आपके पास इसबगोल यानी कि घोड़ा जीरा संग्रहित है, तो उसके बारे में बाजार से ज्यादा नजदीक बने रहकर आप अपना निर्णय कर सकते हैं। जब भी आप ये सोचे कि बाजार तक जाना है, माल को बेचना है, तो कम से कम उसके पहले 3 या 4 दिन बाजार का सतत अभ्यास करें और अभ्यास के बाद ही अपना निर्णय करें। आज के एपिसोड में इसबगोल के बारे में इतनी बात करके आपसे हम विदा लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारी ये जो चर्चा है वो पहुंचे, उसके लिए आप हमें पूरी सहायता करेंगे, ये अपेक्षा के साथ। जय किसान, जय भारत।